सो आज हमारे पास ऑल न्यू क्रेटा 2021 भाई, और जो इस गाड़ी के, ये गाड़ी एक बेस मॉडल गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर हमने काफ़ी सारा काम यहाँ पे जो है ऑलरेडी कर दिया है। स्टार्ट करेंगे गाड़ी के फ्रंट से, तो फ्रंट की मैच इसकी जो है ये पूरी यहाँ पे हमने चेंज कर दी है। इवन इसका ये पूरा पार्ट नया डाला है, पूरी की पूरी मैच चेंज है। मैं भी आपको पुरानी वाली मैच पहले दिखाया था, कुछ ऐसे नज़र आती है अपनी पुरानी वाली, ठीक है। और जो नई इसके अंदर डाली है वो ये रही आपके सामने, तो ग्रिल चेंज हो चुकी है, ठीक है। एक्सल लाइट की हमने इसके अंदर HID डाली है, अब हम हेडलैम्प्स के अंदर, और नीचे हमने फॉग लैम्प इंस्टॉल किया भाइयों, इसके अंदर की प्रोजेक्टर आपको मिलता है, ठीक है। मैं आपको फॉग लैम्प भी पहले दिखा देता हूँ, हैंड टू हैंड जो जो चीज़ें चेंज होती जा रही है वो चीज़ें आपको जो है हैंड टू हैंड दिखाता भी रहता हूँ। फॉग लैम्प हमने इसके अंदर रखे हैं, ये वाले जो आपको मिलते हैं बेस मॉडल के अंदर, ठीक है। और ये अपने फॉग लैम्प आपने देख ही लिए, प्रोजेक्टर वाले, ठीक है, प्रॉपरली। और इसके अंदर ना जो इसकी DRLs होती है हेडलैम्प्स की, ये अभी ना उससे है नॉर्मल बैटरी, ठीक है। अभी हम इसको चाबी से भी करेंगे ऑन, अभी मैं आपको आगे इसको वीडियो में वो भी आपको दिखा दूंगा। गाड़ी पूरी एकदम अपनी बेस मॉडल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर अब यहाँ पे भी है, क्योंकि हमने इसका जो है साइड में यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया। साइड में अपना जो है सामने रखा हुआ है, ये रखा है इसका साइड में विदाउट एनी इंडिकेटर, ठीक है। हाथ से चेंज करने वाला, देख रहे हो, ये स्टिक से चेंज करने वाला है, ठीक है। अब जो इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया ना, ये पूरा मोटराइज है, ठीक है। इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिल रहा है, पूरा प्रॉपर मोटराइज है। ये इसकी वायरिंग जा रही है, क्योंकि पूरी प्रॉपर कपलर है, कपलर निकल के वायरिंग जा रही है, और यहाँ से अंदर जाके उस साइड आएगी, वहाँ पे जो है वायरिंग अपनी चल रही है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमैक्स की हमने डैम्पिंग कर दी है, डुअल लेयर की, एक लेयर यहाँ की, एक लेयर अंदर भी कर दी है, पूरी ऊपर नीचे हर जगह करी है, ठीक है। ये पूरी डैम्पिंग यहाँ पे कंप्लीट है। और एज वेल एज कि इंटीरियर पर आए, स्कफ प्लेट अपनी लग चुकी है क्रेटा की, और लेदर मैट फ्लोरिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो ही रही है, जो कि बकेट वाली है। बंडी भी यहाँ पे कर रहे हो, म्यूजिक सिस्टम की वायरिंग, म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर हमने जो लगाया है वो है D-Bass का 464 विद एप्पल कार प्ले, ज़बरदस्त हेड यूनिट इसके अंदर लग रहा है। और कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें फोकल के PSI फ्रंट पे लग रहा है, ASI जो है रेयर पे लग रहा है, ठीक है। ये इसकी पूरी फिटमेंट के लिए ये लगा दी है, इसके ऊपर रिंग लगाई है, इसके ऊपर अभी वाटर गार्ड भी लगेगा, वो पीछे भैया लगा रहे हैं, वहाँ आपको लेके चलता हूँ, हंस रहे हैं भैया। और भैया अगर बात करूँ मैं रेयर पे, तो ये अपने भैया लगे हुए हैं, संदीप भैया रिंग लगा दी है, वाटर गार्ड लगा रहे हैं, इसके अंदर लगाएंगे फिर कंपोनेंट। कंपोनेंट अपना यहाँ पे रखा हुआ है, आपको दिखा दिया, तो एक बार ये है इसका फोकल है कंपोनेंट लग रहे, तो सारा चीज़ दिखाता रहूँगा आगे आगे वीडियो में, ठीक है। ये लगा ले भैया पहले इसका क्रॉस ओवर, इतने आपको फ्रंट में लेकर आता। ये राउंड भी क्या कर रहे हो भैया आप? साइड में लगा रहे हो जी, और कपलर टू कपलर रहेगा, कपलर टू कपलर देख लो, जैसे मर्जी निकल जाएगा, जो जैक निकल जाएगा, ठीक है। भैया को वायरिंग नहीं कटेंगे इधर, ये प्रॉपर इसकी वायरिंग रेडी करिए, लगाओ उसके अंदर एक बार, हम ये ऐसे प्रेस करेंगे, ये देखो हो गया काम, हो गया काम, कोई वायरिंग कट वगैरह नहीं, वायरिंग कट नहीं, ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। आप करो, अच्छा मनोज भी आप कर रहे हो, कंपोनेंट स्टिकर लगा रहे हो, कंपोनेंट लगा रहे हो फ्रंट में, ठीक है। लग लो इसे, इनका डिस्टर्ब नहीं करते, बीच में घुस घुस के काम करने देते हैं। बाकी डैम्पिंग डुम्पिंग अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, साइड मिरर भैया ने जो लगाया, अच्छा राउंड भैया साइड मिरर जो लगे पूरे OEM लगे हमारे, OEM एकदम OEM ओरिजिनल भैया, ठीक है, गारंटी लेता हूँ, मेरे को देख लो ये रॉबर्ट भैया गारंटी दे रहे हैं, ये अपना OEM मिरर है साइड मिरर, और एज वेल एज, ठीक है। ये तो वो इंटीरियर एक्सटीरियर की छोटी मोटी बातें, अलॉय व्हील भी अभी जो हमारा डल रहा है इसके अंदर, लेट्स सी क्या आता है क्या डलता है। जो साइड ऑटो फोल्डिंग हो गया है, स्टार्ट वर्किंग, ओपन हो गया, क्लोज करना भैया, दिखाओ एक बार रिमोट दिखाओ, ये इसको हम अब वही वाला वायरिंग होता है, खुल गया लॉक, ये पूरा अपना जो वायरिंग भैया दिखा रहे हैं, कपड़ा टू कपड़ा रहा है, कपलर टू कपलर, ठीक है, पिन निकाल के पिन नहीं लग रहा है, पूरा इधर से कपलर है। अच्छा भैया साइड मिरर आता है हमारा जनरल, हमने लगाया है इसके अंदर, कपलर लगेगा, अच्छा इसके अंदर भी का जनरल स्विच लगेगा, ओके। रिले वायरिंग भी आप देख रहे होंगे, पूरी वायरिंग देख रहे होंगे, पूरी पैक वायरिंग है, यहाँ से भी अंडरग्राउंड वायरिंग है पूरी, ठीक। अच्छा भैया एक चीज और, जब हम साइड मिरर इसके OEM लगाते हैं तो उसके अंदर वायरिंग भी मिलती है हमें? नहीं, वायरिंग कंपनी से वायरिंग नहीं आता, वायरिंग अलग पैकेट आता, अलग पैकेट आता लेना पड़ता है अलग से, ठीक है। अच्छा भैया और किसी को डोर पैनल पूरा चेंज कराना हो तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा,
ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जोर बैंड पूरा टॉप मॉडल वगैरह डालना है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आ गए हमारे अलॉय टॉप मॉडल, देख लो क्रेटा के साथ में हैंगकॉक के टायर डाले हुए हैं ना, सही है टायर। अगर हम बात करें क्रेटा के अपने डोर पैनल्स की, दिखाना भैया एक बार दिलीप भैया डोर पैनल दिखाना एक बार, ये डोर पैनल भैया ने रेडी कर दिए हैं इसके, देख लो जबरदस्त चारों डोर के रेडी हो गए ना भैया, चारों हो गए हैं। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगनी बाकी, एम्बिएंट लाइट लगनी बाकी है, ठीक है एम्बिएंट लाइट लगी। और एज वेल एज यहाँ बात करें अपनी सीट कवर की, तो ये अपनी कुछ ऐसे नजर आती है सीट कवर, प्रॉपर बकेट और एज वेल एज इंटीरियर की मैचिंग में साइड भी ग्लास यहाँ पे टॉप मॉडल वाला लगा दिया है, प्रॉपर OEM अपना, लाइट भी इसके नीचे। यहाँ पे हमारा जो है कंपोनेंट इंस्टॉल हो चुका है, देख लो भाई वोकल ये कंपोनेंट है, इसके बारे में डिटेल में आगे आपको पता लग जाएगा। हेड यूनिट अपनी अंदर लग रही है, बंडी भैया कपलर टू कपलर लगाइए पूरी, एक बार कपलर दिखाना, कंपनी का कपलर है ठीक है, ये हमारे कपड़े हैं। कंपनी वाले कौन से ऊपर जो आते हैं? कंपनी वाले ये रिवर्स वायरिंग अलग से आ रही, ठीक है ये इसका अटैच करोगे आप? हाँ जी, ये लग गया उसपे, ये लग गया उसपे, चलो योगा सिस्टम अपना ऑन। यहाँ पे हमारी जो अब हो रही है वायरिंग भी, वायरिंग कितने गेज की कर रहे हो आप? चार गेज की वायरिंग लग रही है अपने चारों कंपोनेंट्स के लिए, चारों कंपोनेंट्स और एम्पलीफायर हमारा इन्फिनिटी प्राइमस। चलो सीट के नीचे रहेगा भैया, चलो। और साथ ही इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी लग रही है, तो उससे कनेक्शन यहाँ पे भैया ने कर दिए, पर मुझे प्रोजेक्टर एरा यहाँ लगा रखा है प्रोजेक्टर, देख रहा, तो इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लग रही है, वहाँ पे जो है सेटिंग वेटिंग चल रही सारी एम्बिएंट लाइट की। यहाँ पे अपने डोर पैनल रेडी कर दिया, ये एम्बिएंट लाइट लगा दी है, ये लेदर लगाया इसके अंदर, देख रहा फाइन बहुत बढ़िया, वहाँ बटन भी लगाए हैं जो आगे आपको वीडियो में जो है दिखे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस थोड़ा सा काम भैया और लोग और कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाऊंगा बम्पर टू बम्पर। यहाँ पे अपनी क्रेटा हुई पूरी तरह कंप्लीट। विजय भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा विजय भैया क्या है, काम क्या है गाड़ी के अंदर? ये ई मॉडल था, बिल्कुल टॉप बन चुका है, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं लगा है। नहीं लगा है, ठीक है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं गाड़ी के। फ्रंट से इसकी जो DRL आता है वो इग्निशन पे नहीं होते, नहीं होता हाँ। ये आपको पार्किंग पे होता है, अब ये इग्निशन पे चाबी से हो चुका है। ओके, अब ये चाबी ऑन है, लाइट जल रहा है, ठीक है। दूसरी फोक लाइट देख रहे होंगे, फोक लाइट के अंदर आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है, हाँ। ये प्रॉपर फोक लाइट प्रोजेक्टर के साथ लगा है, तो ये प्रोजेक्टर भी पहले भी लगा है, ये भी मैं आज ही देख रहा हूँ, काफी सारी गाड़ी में लगा चुके हो, ठीक है। दूसरा इसके फ्रंट के ग्रिल आप देखेंगे तो बिल्कुल टॉप मॉडल का ग्रिल है, टॉप मॉडल का ग्रिल इसके अंदर इंस्टॉल करा है, ठीक है। साइड टू फाइल भी हमने क्या काम किया, साइड टू फाइल पे अलॉय व्हील लगाया हमने, अलॉय व्हील लगाया जेन्युइन पूरा, टायर भी इसके अंदर योको हामा का लगा है, ठीक है। इसके बाद ये अपना फेंडर पे, ओके इंडिकेटर हटा दी हमने, इंडिकेटर रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे इसको लगाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर साइड मिरर पे आ गया, साइड ग्लास ठीक है। ओवर व्यू हमने अपने टॉप मॉडल का लगाया, टॉप मॉडल का लगाया, बिल्कुल कपलर टू कपलर फिटिंग की है, जेन्युइन है पूरा, जेन्युइन अभी उस साइड दिखाएंगे, चल के आपको स्विच भी दिखा, ठीक है। जेन्युइन क्रेटा का ही स्विच लगा है, ठीक है। कोई वैनू का या कोई दूसरी गाड़ी का स्विच नहीं लगा इसके, मतलब प्रॉपर क्रेटा का ही है, हां जी ठीक है भैया। इसके बाद आपको लोअर गार्निश रेन वाइजर और रूफ रेल प्रॉपर लगा हुआ है, ठीक ठीक है, ठीक है भैया। ये तो हो गया हमारा साइड प्रोफाइल, करते हैं यहाँ पे रेयर पे हमारे जो है गाड़ी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये कोई पेस्टिंग वाला नहीं है, नट बोल्ट सिस्टम है, ये आप देख रहे होंगे, नट बोल्ट वाला है पूरा, ठीक है। टॉप मॉडल में आता है वो, एक बार डिग्री खोलना इसके। इसके बाद हमने इसके अंदर AHD कैमरा लगाया है, 80 डिग्री कैमरा, ठीक है। 180 डिग्री नहीं, AHD, ठीक है ठीक है। इसका पार्सल ट्रे जेन्युइन है, ये भी बिल्कुल ठीक भैया, सारा सामान इसमें से निकला है गाड़ी में से। ग्रिल जो आपको दिखाया मैंने ग्रिल फ्रंट में, हाँ ये जो कुछ अलॉय का से अलग में बिल कैप देती है, हाँ ये ट्विटर सेट जो थे, ठीक है वो है साइड मिरर के अंदर जो आते हैं, ये आपका स्टीयरिंग बटन का क्रूज बटन जहाँ लगता है वहाँ का ठीक, पार्ट है, स्टीयरिंग वाली पार्ट है, ओके। ये सिस्टम के लिए फ्रेम, हाँ
ये हमारे फॉग लैंप्स इंडिकेटर है, फॉग लैंप इंडिकेटर, ठीक है। ये हमारे साइड ग्लास है डंडी वाली। अच्छा भी एक बात बताओ, सारा सामान आप लेते भी हो क्या? नहीं ये सर यूजलेस काम का कोई सामान नहीं होता, इसलिए इस गाड़ी का सामान ले लेते हैं। अच्छा हाँ स्कॉर्पियो स्विफ्ट का ले लेते हो मतलब। और ये मैट भी डाला हमने इसके अंदर जीएफएक्स का, ठीक है भैया बहुत बढ़िया। इसके बाद बूट मैट भी, इसकी बूट लाइट भी लगा रहा है फीटर, अभी लग रही है लाइट अभी, ठीक है भैया। कैप निकल गया यहाँ से, यहाँ से कैप निकाली है, यहाँ पे भी लाइट लगनी बाकी है, ठीक है भैया। उसके अलावा भैया इंटीरियर पे भी हमने बहुत सारा काम किया गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं गाड़ी के रेयर पे स्विच करते हैं गाड़ी के अंदर। तो पहले तो इसके अंदर भी क्या दिखाएंगे, सीट्स, ये हमारा कोई सीट कवर ऐसा कंपनी, बिल्कुल कंपनी की ओरिजिनल स्टाइल, कोई रिंकल नहीं होगा, कोई सलवट नहीं होगा, ठीक है। और पूरी फोमिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। तरीके से आप फ्रंट से तो हर गाड़ी का लुक देखते देखते प्लस पीछे से भी देख लीजिए, पीछे की तरफ वो ड्राइवर, ड्राइवर साइड में कहीं भी रिंकल नहीं होगा, ठीक है भैया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इसके अंदर एम्बिएंट लाइट जो कि 7 कलर के अंदर है, ठीक है भैया। एम्बिएंट लाइट प्रॉपर लगा हुआ है। इसके बाद ये इसकी मेमोरी फोम के साथ हमने डोर पैनल भी लगाया, डोर पैनल भी रेडी किया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ये यहाँ पे हमने लगाया भैया, दिखा रहे फैब्रिक के साथ सॉफ्ट टच के साथ। ये ट्विटर कुछ इस तरीके से फिट किया हमने, ट्विटर ये ट्विटर कौन, हमारे कंपोनेंट्स कौन से लगे हैं इसमें? कंपोनेंट के फोकल का था, फ्रंट डोर पे PSI सीरीज लगा है, ठीक है। रियर डोर पे ASI सीरीज लगा है, ठीक है। ठीक है जी, आपने एम्बिएंट लाइट भी दिखा दिया। हाँ जी, ये भाई एम्बिएंट लाइट देखो जबरदस्त फ्रंट पे अंदर आते भी। सबसे पहले मैंने इसमें देखी स्कफ प्लेट क्रेटा की टॉप मॉडल वाली, जो कि जेन्युइन आती है हमारी, और जो एम्बिएंट लाइट आता है तो हुंडई सील की है, इसी पार्ट में लगा के देता है। हाँ जी, और जो हमारी है वो चारों डोर और डैशबोर्ड नीचे, आपको पैरों के नीचे भी रेड कलर की सेम लाइट आ रहा होगा ये, ठीक है, ठीक ठीक, पैरों पे भी आ रही है, ठीक है भैया। नीचे नीचे सीट में भी, पैरों के नीचे भी लाइट आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से झिकझक वाली स्टीयरिंग कॉल लगने जा रहा है, ठीक ठीक है। इसकी आपको स्टीयरिंग माउंटिंग बटन, दूसरी क्रूज जो की दोनों वर्किंग में होते हैं, और ये सनग्लास होल्डर, ये सनग्लास होल्डर अच्छा, ये भी हमारा टॉप मॉडल वाला प्रॉपर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, प्रॉपर सनग्लास होल्डर है। वाओ, देख लो Hyundai genuine part, Hyundai genuine part। अच्छा भी एक बात बताओ, किसी इस वाले डोर पे हमने भी यहाँ पे क्या कहते हैं इसके वो लगाया, ये बटन लगाया, दिखा दे बटन, कोई आपकी शिफ्ट का या किसी और गाड़ी का नहीं होगा, और प्रॉपर कोई कह नहीं सकता कटिंग होकर लगा है, ठीक है। गाड़ी की डोर था और प्रॉपर लगा हुआ है, और इसका लीवर भी चेंज हुआ है, लीवर वाला चेंज हुआ है सिल्वर। हाँ जी, अच्छा भाई एक बार साइड मिरर आपने जब इसके वो कर दिए हैं और ऑटो फोल्डिंग करें, एक बार बटन कैसे करके दिखाना भैया, ये खुल गए, ये एडजस्ट हो रहे भाइयों, ये ऊपर नीचे होते हुए भैया कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है भैया। पहले ये डंडी से होते थे ना भैया, स्टिक से, ठीक है भैया। फोल्ड भी हो जाएंगे सर, फोल्ड भी हो जाएंगे, ये हो गए हमारे फोल्ड, ये खोल दो एक बार, ठीक। और भैया आपने ट्विटर की प्लेसमेंट इसके अंदर करी है, प्रॉपर जेन्युइन इसके अंदर किया है, जिसमें जेन्युइन जेन्युइन आती है, साइड ग्लास के साथ ये भी लगा के देते हैं, साइड ग्लास साथ ये भी लगा के मिलता है भाइयों। अभी अब बात करते हैं इसकी म्यूजिक की, आपने म्यूजिक बहुत जबरदस्त किया है। पहले आपने डैम्पिंग करी गाड़ी के अंदर पूरी, ऑटोमैक्स की पूरी डैम्पिंग गाड़ी के अंदर हुई है, डुअल लेयर दरवाजे सब कुछ किया है, ठीक भैया। गाड़ी एक बार शीशा ऊपर कर दो, शीशा ऊपर कर दो, एक बार साइलेंट हो जाएगी गाड़ी पूरी। इस टाइम पे पीछे देखो हल्ला कितना बाहर, पूरी मार्केट में गाड़ियाँ चल रही है, हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ी एकदम साइलेंट है भैया, ठीक। अच्छा भैया अब बताइए म्यूजिक के अंदर आपने क्या काम किया इसके अंदर? म्यूजिक के अंदर इसमें कोई गुफर नहीं है, कोई बेस ट्यूब नहीं लगा हुआ है, सिर्फ दो पेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक भैया, जो हाई एंड में आता है फोकल की, ओके। और दूसरा हमने इसके अंदर एक एम्पलीफायर लगाया है जो की इन्फिनिटी का, ठीक है भैया, है रेफरेंस सीरीज का। और दूसरा एक हेड यूनिट लगाया है जबरदस्त, साथ में हमारे इसमें मैट्स भी 5D आपने डाले हुए। हाँ जी, नीचे फ्लोरिंग फ्लोरिंग भी हुआ है, आपको दिखा रहा हूं। और ऊपर हमने इसके अंदर क्या कहते हैं ये 90 मैट डाला है, 90 मैट्स, ठीक। और भैया इसकी सीट्स हम फ्रंट की भी दिखाई देते हैं एक बार, हम बैठे हुए हैं तो ये देखो फ्रंट की सीट्स देख लो भैया ने जबरदस्त रेडी करवाई है। अच्छा भैया एक चीज बताओ, ऐसी गाड़ी को रेडी करने में कितना टाइम लग जाता है? सर 6 घंटे आसपास, 6 घंटे के आसपास। अच्छा भैया 6 घंटे के आसपास आपको ऐसी गाड़ी रेडी करने में लग जाता है, और अगर कोई भाई बंधु हमारा दूर से आता था अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज्यादा वो रहेगा। कोई आ गया और यहाँ पे गाड़ी 4 खड़ी होगी, जो बंदे की एक काम करने की क्षमता होगा तो काम तो उसी तरीके से होगा, हाँ। तो धक्का बेल वाला काम होगा, हाँ, तो इसलिए फोन करके आए,
ठीक है टाइम लेके आए तो इजी उनको टाइम दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके से काम भी होगा ठीक है। ठीक हाँ वो हमारे पास आपको मैं शुरू से कहता हूँ कि कोई ठेकेदारी वाला काम नहीं है, हमारे लड़के सैलरी के प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जो आज है वो कल भी मिलेंगे। ठीक अभी हमारे पास सारा सामान रहता है, गाड़ी का सामान रहता है, पिछली बार मैंने सारा दिखाया था, सारी गाड़ी का आपको जनरल पार्ट दिखाया था। ठीक ठीक है और इस तरीके से सारी गाड़ी लोगों के आशीर्वाद से और हमारी मेहनत हाँ जी दिन पे दिन उसको और आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है अच्छा भैया एक चीज और पूछनी है मुझे, हमारे पास इस गाड़ी का राइट हैंड साइड का डोर पैनल भी अवेलेबल है सर, सब कुछ है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि शौक का कोई कीमत नहीं होता। हाँ ठीक है जितने गुड़ डालोगे उतने मीठा होंगे, जरूरी नहीं है कि जिस बंदे के पास 2 लाख रुपए ना हो तो उस गाड़ी में काम नहीं होगा। ठीक हम अल्टो के अंदर भी काम करते हैं और हम फॉर्च्यूनर में भी करते हैं और हम क्रेटा जो भी गाड़ी क्रेटा हो या 300 हो या स्कॉर्पियो हो या स्विफ्ट हो या ब्रीजा हो, मैं हर गाड़ी में काम करता हूँ, मैं किसी एक गाड़ी के ऊपर फोकस नहीं करता। ठीक है मैं वीडियो बनवाता हूँ, हर गाड़ी का वीडियो डालता हूँ। ठीक है आप हर गाड़ी का वीडियो हमारी शूट करते हो। ठीक है अगर कुछ जगह मैं देखता हूँ कि कोई बंदा स्कॉर्पियो बना रहा है, कोई क्रेटा बना रहा है, कोई मैग्नाइट बना रहा है, कोई टियागो बना रहा है, तो वो लिमिटेड बना रहा है, तो वो लिमिटेड होगी। हाँ कोई अपना किसी भी गाड़ी का बना रहा है, कोई क्रिस्टा का बना रहा है, कोई अटका का बना रहा है, तो इस तरीके से हम एक गाड़ी पे, क्योंकि देखिए उसके लिए आदमी को माल रखना पड़ता है। हाँ जी ठीक है तो हम उस हिसाब से हमारे पास माल का अपना जिगरा है रखने का। मैं हर गाड़ी का माल होता है, मेरे पास हर गाड़ी का माल मिल जाता है एक ही जगह आपको, इवन आप दुकान वालों को यहाँ पे, इवन आप शॉप्स वालों को भी देते हैं। और मैं ये भी बात कहता हूँ कि जिन भाइयों को जिस गाड़ी का जनरल पार्ट चाहिए हमारे पास होता है, ले सकते हैं वो। ठीक और अगर जैसा मतलब ये दुकान वालों के लिए भी है। हाँ जी इतना हो गया है तो आउटपुट भी सुन लेते हैं गाड़ी। अपना काम पूरी तरह कंप्लीट, अंकल और भैया दोनों का जो है पूरा फिक्स हो गया। अच्छा भैया कहाँ से आए भैया आप? मैं भैया गुड़गांव से आया। गुड़गांव से आए हैं तो कैसा लगा भैया काम आपको? काम बहुत अच्छा है, काम बढ़िया लगा। काम ठीक मतलब जैसा आपने बेस मॉडल गाड़ी ली थी तो उसके हिसाब से अब भैया ने इसको टॉप मॉडल बना दिया काफी हद तक आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको कैसा लगा? सही लगा काम? काम की क्वालिटी भी अच्छी है, वर्कमैनशिप अच्छी है, भैया का तो व्यवहार नो डाउट हर वीडियो में हम देखते हैं कि अच्छा ही और अच्छा ही रहता है। सर हमसे पहले लमसम 25 दिन पहले मिलके गए थे। हाँ जब मैं गाड़ी बुक कराई थी, बुक कराई थी तब आए पाए थे। ठीक ठीक है उस दिन भी कुछ अच्छा लगा होगा जब इन्होंने, और तो मुझे व्यवहार अच्छा लगा इनका, वे ऑफ मतलब पैकिंग दबाया। 25 दिन के बाद कॉमन सी बात है कि लेके आए गाड़ी, काम कराए, खुशी खुशी काम कराए, कोई डाउन भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा है मतलब? पूरा। चलिए भैया थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा काम करवाना है तो आप आ सकते हैं, स्क्रीन में नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये थी क्रेटा, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी गाड़ियां आप लोगों को मैं इसी तरीके से दिखाता रहूँगा किस प्रकार की करोड़ों से। चलिए आज के बेस्ट था, अगर वीडियो अच्छा लगाओ, यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको और वीडियोज़ के। चलिए मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियोज़ में, टिल देन।